आपका क्या होगा, एक के बाद एक नेता ईडी के रडार पर। संजय सिंह के बाद विधायक अमानतुल्ला खान पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा। एक बार फिर दिल्ली की सियासत हुई तेज, आम आदमी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। अभी आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के घर पर रेड, फिर गिरफ्तारी और पूछताछ की राजनीति थमी ही नहीं कि इस बीच आम आदमी पार्टी के एक और नेता के घर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी कर दी है। इस बार यह छापेमारी दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से विधायक अमानतुल्ला खान के कुछ ठिकानों पर की जा रही है। छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के तहत की जा रही है। इससे पहले मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह जैसे तमाम नेता आरोपों के तहत जेल जा चुके हैं। इसमें से सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य कारणों के आधार पर जमानत पर बाहर है और उनका इलाज भी चल रहा है। वहीं अमानतुल्ला खान पहले भी कई बार विवादों में रह चुके हैं। पूरा मामला समझिए, पिछले साल एसीबी ने अमानतुल्ला खान को गिरफ्तार किया था और बाद में उन्हें जमानत भी मिल गई थी। ईडी की रेड उन डायरियों को लेकर चल रही है जो पिछले साल वक्फ बोर्ड मामले में एसीबी की छापेमारी के दौरान आप विधायक के करीबी के ठिकानों से मिली थी। अमानतुल्ला खान पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए उन्होंने 32 लोगों को नियमों का उल्लंघन करते हुए भर्ती किया था। आरोप था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में आप विधायक ने भ्रष्टाचार और पक्षपात किया था। बहरहाल ये छापेमारी आज चल रही है, लेकिन अब इन सब के बीच आम आदमी पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है।